जय पुष्कर राज की। वेलकम बैक टू इंडियन देसी तड़का, दिस इज रवि शर्मा, आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। पंडित जी आज पुष्कर में सर्वेश्वर स्वीट्स पर खड़े हैं, जिन्हें पूनम चंद जी हलवाई की दुकान से नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहां पर आज एक रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है, जहां पर बनने जा रही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जलेबी। जी हाँ, द लार्जेस्ट द बिगेस्ट जलेबी ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन पुष्कर, एंड आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ हियर एंड इट इज़ कॉल्ड हलवाई गली, द मोस्ट फेमस स्वीट गली ऑफ पुष्कर, स्वीट स्ट्रीट ऑफ पुष्कर, एंड द शॉप इज नेम्ड एज पूनम चंद जी की दुकान सर्वेश्वर स्वीट्स, वेयर वी आर गोइंग टू हैव द लार्जेस्ट जलेबी ऑफ इंडिया। सो दोस्त, हम बात करते हैं सर्वेश्वर स्वीट्स के पिंटू जी और रामेश्वर लाल जी से, जो हमें बताने जा रहे हैं इस शानदार जलेबी के बारे में। पिंटू जी, हमें बताइए जलेबी के बारे में, आप क्या कितने सालों से यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं? सर, ये जलेबी मेरे चार पीढ़ी से बन रही है। चार पीढ़ी से बन रही है। परदादा जी का किया हुआ काम व्यवसाय शुरू है, ये तब से बना रहे हैं जलेबी। आज आप हमारे लिए कितनी बड़ी जलेबी बनाने जा रहे हैं? आपके लिए मैं कम से कम 21 इंच की जलेबी बनाऊंगा। क्या बात। तो दोस्तों आज हमारे लिए बन रही है 21 इंची की जलेबी, जो अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। जलेबी बनाने में क्या क्या आइटम काम में लिए जाते हैं? जलेबी बनाने के लिए मैदा, बेसन और जलेबी का खमीर, घी, चीनी, इलायची पाउडर। इसमें इलायची भी डाली हुई है? हाँ। क्या बात है। इसका वजन लगभग कितना होता है? इसका लगभग 1 किलो 400 ग्राम 1.5 किलो के आसपास होता है। राइट, तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा 1-2 इंच ज्यादा कम हो जाती है। जलेबी को बनाने का तरीका ये, पूरी कढ़ाई में एक साथ ही बनाई जाती है, तई के अंदर जो नीचे से फ्लैट होती है तई होती है, और इसको बिल्कुल मुंडी आंच में धीरे धीरे बनाया जाता है। उसके बाद में इसको धीरे आंच में सिकाई होने के बाद में ही रस के अंदर पिलाया जाता है। और दोस्तों सच बताऊं, जब ये बन रही है, जब ये इसकी तलाई हो रही है, जब इसकी सिकाई हो रही है, उस समय ही ऑलरेडी जब यहाँ पर लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियोस भी बना रहे हैं उसका, तो इन लोगों का भी मन मचल रहा है। और जैसे जैसे सिकाई होती है और इसका कलर चेंज होने लगता है, बस तैयारी होने लगती है इसके आगे की प्रोसेसिंग की। मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों, आप देखिए, जब रिकॉर्ड बनता है तो उस रिकॉर्ड को देखने के लिए काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठी होती है, और इस समय आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टाफ सर्वेश्वर स्वीट्स का, वो सारे के सारे ऊपर खड़े हैं, पंडित जी खड़े हैं, और यहाँ पर खाने वाले सत्यनारायण जी नागौरी, यहाँ के प्रमुख कपड़ा व्यवसायी है, सारी की सारी जलेबी खाने यही वाले हैं। मैं तो केवल स्वाद लूँगा। दोस्तों एकदम मंद मंद आंच पर इसकी सिकाई की जाती है, और
और फिर उसके बाद में देखिए जो अगला प्रोसेसिंग इसका होने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। दिस इज कॉल्ड शुगर सिरप। इनफैक्ट मैं इसे शक्कर का शक्करताल अथवा शक्कर का स्विमिंग पूल बोलूँगा। और ये देखिए तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी इसकी सिकाई हो चुकी है और अब ये जाने वाली है इस शक्कर के स्विमिंग पूल में जो इसके बिल्कुल नज़दीक पड़ा रहता है। क्या बात है, बड़े प्रेम से इसको इसके दूसरे साइड में डाल दिया जाता है और अभी ये स्विमिंग पूल में जा चुकी है स्नान करने के लिए और इसके बाद में फिर इसको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल कर इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है ताकि ये शुगर क्रिस्टलाइज प्रॉपर वे में हो जाए। और ये देखिए ये हो चुकी है तैयार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जलेबी। अब हम जा रहे हैं, आपको इंच टेप के साथ में इसका नाप लेने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ ये कितने इंच की है। तो ये है मेरे हाथ में इंच टेप और मैं इसे नापने जा रहा हूँ और इसका साइज हम देखते हैं कितनी है। माई गॉड, 21 इंची। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जलेबी, अगर आपको खानी है तो पुष्कर आपको आना ही पड़ेगा और इस लाजवाब जलेबी का आनंद लेना पड़ेगा। अब हमने इसका कर लिया है वजन, करीबन 1.5 किलो की ये जलेबी। सो बेसिकली इसकी प्राइस हम पूछते हैं पिंटू जी से। वाओ, क्या आप सोच रहे हैं मैं सारी खाने जा रहा हूँ? जी नहीं दोस्तों, ये पूरी की पूरी जलेबी हमारा यहाँ का पूरा स्टाफ खाने जा रहा है, मैं सिर्फ स्वाद ले रहा हूँ और आपको इसके स्वाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाओ, इतनी शानदार क्रिस्टलाइज क्रिस्पी, मुझे इसमें इसका पूरा आनंद आ रहा, मीठापन आ ही रहा है, जलेबी का जो स्वाद होता है वो आ रहा है और सबसे बड़ी खास जिसके ऊपर डाली हुई थी इलायची, अभी कभी इस पर आप इस पर केसर भी डाल सकते हैं तो उसका और थोड़ा मज़ा आ जाएगा। आप आवाज़ सुन सकते हैं क्रिस्टलाइज, मज़ा आ गया भैया। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। इसकी रेट लमसम में मीठी की रेट है 360 रुपए किलो, 360 रुपए किलो। और नमकीन बनवाना चाहे तो जलेबी नमकीन भी बन सकती है। अरे वाह, क्या बात, नमकीन जलेबी की। अरे वाह, आपने मीठी जलेबी तो हमेशा सुनी होगी पर नमकीन जलेबी ये भी एक आइटम होता है, ये मैंने भी अभी तक खाई नहीं है, फिर कभी देखेंगे, कभी नमकीन जलेबी खाएंगे। तो दोस्तों, इंडिया की लार्जेस्ट जलेबी वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भेजिएगा और पंडित जी के चैनल इंडियन देसी तड़का पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि पंडित जी के नए नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज वाला ट्विस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, लाइक मारो, शेयर कर डालो फटाफट। राइट दोस्तों, जय श्री नारायण, जय पुष्कर की जय श्री राम।